जहाँ पर जीत अच्छी लगती है वहाँ पर हार कितनी बुरी लगती है ये जानेंगे। हमारे साथ कुछ मजीद शेरी मौजूद हैं, उनसे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप दोनों? मेरा नाम कंजा फातिमा। मिनाहिल खालिद। अच्छा मिनाहिल और कंजा, ये बताइएगा ये जो पाकिस्तान मैच हार गया था इंडिया से, तो इस पर इतने जज्बाती क्यों हुए थे लोग? ये तो मैच ही था ना। मैच था लेकिन सबको उम्मीद थी कि इंडिया से वो मैच जीतेंगे, सब उनसे मतलब उम्मीद रखते थे और सब कॉन्फिडेंट थे कि वो जीतेगा मैच, लेकिन अब कोई बात नहीं, अब वो अगले मैचेस में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आई होप कि वो अगले मैचेस जीते। लेकिन इंडिया से ही क्यों? इंडिया से एक तो हमें चाहिए कि उनसे हम जीते क्योंकि वो हमारे जो है ख़िलाफ़ है, हमारे खिलाफ कंट्री है, तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम उनसे जीते ताकि हम उन्हें शो कर सकते कि हमारे पास उनसे ज़्यादा पावर है। लेकिन अब हार गए इस बात का तो बहुत अफसोस हुआ है, पर लेकिन आपको पता है जब हार गए थे तो फिर सोशल मीडिया पर कोहली और हमारे जो कैप्टन हैं सरफराज, उनके बीच में कंपैरिजन भी किया जा रहा था, पिक्चर्स भी निकाली जा रही थी फिटनेस के हवाले से, तो ये सही है कि नहीं करना चाहिए? नहीं, ये नहीं करना चाहिए, गलत बात है, जुमलेबाजी नहीं करनी चाहिए। ये गेम थी तो कोई बात नहीं, अगर हार गए वो आगे अच्छा परफॉर्म करें, सारे मैचेस जीते इंशाल्लाह आगे भी जीतेंगे, उस गेम का अलग एक प्रेशर होता है। हाँ जी, आने वाला वर्ल्ड कप भी जीतेगा, वर्ल्ड कप हमारा ही होगा। अच्छा वर्ल्ड कप हमारा होगा, यानी आप समझती हैं 92 वाला हाल हो रहा है, तो इंशाल्लाह इस दफा भी हम लोग ये भी कह रही हैं कि जो 1992 में हुआ था वही हो रहा है, तो जो वर्ल्ड कप है वो हमारा ही हो, तो दुआ करें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नमाज में भी दुआ की, रमजान में ताक रहा तो मैं इंडिया के लिए तो बहुत ज्यादा दुआ की थी। नफल वगैरह करेंगे? नफल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पढ़ेंगे जीत गए अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया इंशाल्लाह, और अगर हार गया तो फिर क्या नहीं हो सकता। कल वाला मैच है उससे उम्मीदें हैं आप? हाँ जी बहुत ज्यादा इंशाल्लाह जीते। न्यूजीलैंड वाला मैच तो देखा ही होगा आपने, देखा था तो क्या उसमें लगता है? सही सही हर शोभा ठीक, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। ए बाबर आजम लड़की, हर लड़की है गरीब बाबर आजम, तो बाबर आजम पसंद आपको? हाँ जी अच्छा। आपको कौन पसंद? हारिस। हारिस, मुझे हारिस पसंद है। तो ये थी जनाब ख़वातीन हमारे साथ मौजूद थी और ये कह रही थी कि किसी को बाबर पसंद है, किसी को हारिस सोहेल पसंद है। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों के साथ साथ पूरी टीम ही फेवरेट रहे, पूरी टीम ही जीते, ताकि हम भी कह सकें कि यार हमें तुमसे प्यार है।